Good evening, everybody. Sukoon-e dil ke liye kuch to ehtimam karun. Sukoon-e dil ke liye kuch to ehtimam karun. Zara nazar to mile to phir unhe salam karun. Mujhe to hosh nahi. Aap hi mashwara kijiye. कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम. तो मैं अब नीता बाजपेयी को इंट्रोड्यूस करती हूँ. शी विल टेक द प्रोग्राम. इसके पहले मैं एक बहुत अहम नाम भूल गया हूँ पार्टनर्स इन क्राइम में, जो वाकई क्रिमिनल हैं हमारी तरह, इंडस्ट्री के क्रिमिनल, शशिकांत खरे साहब. The best mechanical engineer on either side of Suez Canal, I will say any day. Neeta ji, it's all yours. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. ये फसाना जो अभी शुरू होने जा रहा है, जिसकी इबादत इतनी खुशगवार तरीके से हुई है, फूलों का नजराना देते हुए हुई है, और त्रिनेत्र वाजपेयी जी ने तो मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया. जरूरत नहीं थी मेरे यहाँ आने की, मगर फिर भी एक रिवायत होती है. तो मैं पुनः एक बार आपको कनिका मल्टीस्कोप्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, कैट म्यूजिक की तरफ से, तमाम हाजरीन को यहाँ पर आपका इस्तेमाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ. वेलकम, खुश आमदीद और बहुत बहुत स्वागत. जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत. जी बिल्कुल. मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगी मेरे मेंटोर आदरणीय अमीन सयानी जी, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ अपने रेडियो डेज के वक्त सीखा है. तो दोस्तों, फिर उसी मोड़ पर हम आ गए हैं. ये वाजपेयी पूरा परिवार जो प्रेजेंट कर रहा है इस फिल्म को, नीता वाजपेयी की तरफ से खैर मकदम. मेरे एक और मेंटर पीछे मेरी नजर पड़ी है, आदरणीय श्री ब्रिजभूषण सहानी जी. मैं उनका भी आशीर्वाद लेते हुए आज का ये कार्यक्रम शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जो वॉइस के वॉइसिंग फ्रेटर्निटी के जो बादशाह रहे हैं, उनके सामने बोलना जरा थोड़ा सा. एनीवेज, आज यहाँ पर इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होगा, म्यूजिक लॉन्च होगा, और साथ ही कैट म्यूजिक कंपनी का लॉन्च होगा. यानी कि तीन 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 चीजें. कितना खुशगवार, कितनी बात है कि एक साथ एक ही मजलिस में, जहां पर इतनी ऑगस्ट ऑडियंस बैठी है, तीन सारी चीजें आपके सामने पेश होने जा रही हैं. लेकिन हम इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे ज्वलंत मसले पर रोशनी डालने के लिए, जो आज की तारीख में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि तीन तलाक. लेकिन उस पर हमारे आदरणीय डायरेक्टर श्री लेख टंडन जी की दूरदर्शिता ये थी कि उन्होंने बहुत पहले ही उस पर एक कहानी सोच ली, रच डाली, कलम से कागज पर उतारी, और उसके बाद सेल्यूलॉइड पर उतारी. जब शौहर उसके लफ्जों पर, उसके लबों पर यही लफ्ज आता है, तलाक तलाक तलाक, तो सोचिए उसकी शरीके हयात की जहनियत कैफियत क्या होती है. अगर उसने वक्त पर उसे खजूर नहीं दिया तो वही कह डाला. अगर एक घंटी में दरवाजा नहीं खोला तो उसने कह डाला. अगर चादर पर सिलवटें नहीं हुई, ठीक नहीं किया, तो बस झट से कह डाला. अगर पंखा उसने शुरू नहीं किया, चालू नहीं किया, कह डाला. और अगर उसने वक्त पर चाय नहीं बनाई, पानी नहीं दिया, खाना नहीं बनाया, बच्चों की देखभाल नहीं की, तो झट से. शौहर का यही काम रहता है, तलाक तलाक तलाक. सोचिए, मैंने तो मांगा था थोड़ा सा उजाला, मैंने तो मांगा था थोड़ा सा उजाला, पल भर में तूने मेरा आशियां ही जला डाला. यही बात को, इसी बात को जहन में निकालकर आदरणीय लेख टंडन जी ने सेल्यूलॉइड पर पेश की और फिल्म आ गई आपके सामने. बहुत ही खुशी की बात है. तो आइए एक
कई कई खुशियां जब हमारे साथ चलती हैं तो हम फिर उसी मोड़ पर आ जाते हैं और इस जिंदगी में यही कहते हैं कि अजनबी इस जिंदगी में अजनबी कोई ना हो, मैं ना मैं अजनबी ना आप अजनबी। आइए साथ मिलकर चलते हैं और इस रोशनी को आप तक पहुंचाते हैं। ये रोशनी इंतजार कर रही है भारतीय सभ्यता की तरीके से हम दीप प्रज्वलन करना चाहते हैं। मैं आदरणीय मिस्टर और मिसेस वाजपेयी जी से गुजारिश करूंगी कि आप आए और हमारे मेहमान खुसूसी के हाँ तो हम दीप प्रज्वलन कराना चाहेंगे। कैन वी हैव द लाइटर प्लीज। आदरणीय श्री त्रिनेत्र वाजपेयी जी, श्रीमती वाजपेयी जी, संगीतकार आजम खयाम साहब, आदरणीय श्री अमीन सयानी जी। ये दीप, ये प्रतीक है कि ये जो समस्या है, ज्वलन समस्या जिस पर फिल्म बनी है, उस पर चर्चा की जाए, गौर की जाए और उस पर विचार मंथन किया जाए। होशियार हो जाइए, राणा जंग बहादुर साहब आ रहे हैं। तालियों से स्वागत। नाम कह दो। अरे ये सीक्रेट, हाउ इज द सीक्रेट आउट ऑफ द बॉक्स? मुझे या सिर्फ मुझे ही कहा गया था? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एनीवेज, बहुत अच्छी बातें छुपाना नहीं चाहिए, उन्होंने कह दिया है तो हम थोड़ी देर में उनका भी स्वागत करेंगे। तब तक आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम और कर दें। आदरणीय श्री वाजपेयी जी यहाँ पर आप लोगों का स्वागत करने में लगे हुए थे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि हम उनका भी स्वागत करें और उनके बारे में थोड़ा सा जानें। जब आदरणीय श्री परीक्षित सहनी जी को फूलों का गुलदस्ता, महकते हुए फूल, ताकि ये खुशबू हमारे और आपके बीच बनी रहे। This is a ladies and gentlemen, बड़ा informal सा function है, so कहीं पे कोताही हो जाए, यहाँ थोड़ी सी हो गई कि फोटो नहीं खींच पाई, हमारे यहाँ पर भी खींचते रहिएगा हाँ, स्टेज की तरफ भी। तो हम आपको ये बता रहे थे कि कनिका मल्टीस्कोप्स प्राइवेट लिमिटेड, कैट म्यूजिक, यानी कि वाजपेयी परिवार, त्रिनेत्र जी, कनिका जी और अंशुला जी, जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, एंड बिलीव मी दे लीव नो स्टोन अनटर्न, किसी भी चीज में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं।
खास तौर पर आदरणीय श्री त्रिनेत्र जी, लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, ही लिव्स नॉट 24 आवर्स अ डे, ही मेक्स इट अ पॉइंट दैट ही वर्क्स फॉर 48 आवर्स अ डे, 48 आवर्स, क्योंकि एक साथ बजाते जाइएगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत मौके आपको मिलेंगे, थकना नहीं है। तालियों में जीएसटी अभी तक गवर्नमेंट ने लगाई नहीं है, सो बी हैप्पी ऑन दैट। एक साथ 45 कंपनीज को हेड करते हैं एंड दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। एक केमिकल इंजीनियर से जो कारवा इनका शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा, कला तक पहुंचा, यानी कि वाकई ताज्जुब की बात है कि सऊदी अरेबिया में, यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में आपने पेट्रोकेमिकल्स के, वुड मैन्युफैक्चरिंग के और इंडस्ट्रियल सर्विसेज के जो झंडे गाड़े, वहां पर इंडियन टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सिर्फ यही कहती हूं कि आदरणीय त्रिनेत्र वाजपेयी जी बॉम्बे में सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, तो सऊदी अरेबिया और दुबई में लंच करते हैं और लंदन में जाकर उनका डिनर होता है। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज के धनी है श्री त्रिनेत्र वाजपेयी जी। जी हाँ, मैं रहमान नौशाद साहब की खैर मकदम करता हूँ, प्लीज तशरीफ लाए। यहाँ खयाम साहब है, अमीन साहब है, मिल लीजिए फिर तशरीफ रखिए। और एक बात कह दूँ, ये आगे बोले उसके पहले, कि जब इतनी खूबसूरत लड़कियाँ ये कहें आदरणीय, जब आदरणीय कहें तो वाकई लगता है कि अनुभव काफी हो चुका है। नहीं, मैं यही कहूंगी कि चेहरे पर चमक, होंठों पर मुस्कान। स्वागत है आपका सर। त्रिनेत्र वाजपेयी जी के लिए यही कहूंगी, चेहरे पर चमक, होंठों पर मुस्कान, यही है इनकी पहचान। सो जब इन्होंने, इनका तारुफ हुआ आदरणीय श्री लेख टंडन जी से, मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री जावेद अली साहब का, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे जो मेहमान हैं वो आते रहेंगे और हम उनका इंट्रोडक्शन कराते रहेंगे। तो जब इनकी पहचान हुई लेख टंडन जी के संग, उन्होंने ये फिल्म ऑलरेडी प्लान कर रखी थी, उनका ड्रीम उन्होंने चेरिश किया और उस ड्रीम को सेलुलॉयड पर लाने का मुकम्मल तौर पर बीड़ा उठाया और आपके सामने पेश की गई। सो आपकी इजाजत लेते हुए, कैन वी हैव द एवी प्लीज। Most certainly, Lake Ji was very close to our heart and soul. और हम ये कार्यक्रम का आगाज शुरुआत करते हैं उनको श्रद्धांजलि दे के। And here is an AV to give pay respects. आज कहना पड़ता है, dear departed soul, Sri Lake Tanan. So please, let pay Shraddhanjali tribute to Lake Ji. AV, please. We miss you to full trailer ke liye. Aur puna ek bar zordar taaliyan us adakara ke liye, 50s aur 60s ka chamakta chehra, black and white ka chamakta chehra, jinhone Dilip Kumar sahab ke saath apni hit jodi banayi thi. जोरदार तालियों के बीच हम खैर मकदम करेंगे, स्वागत करेंगे आदरणीय निमी जी का और उनसे गुजारिश करेंगे इस फिल्म के ड्रॉप डाउन ट्रेलर का उद्घाटन आप करें। आइए, यस, दिस साइड आइए। श्रीमती कनिका जी, प्लीज आपने बाइज्जत यहां
बहुत ही अनोखे तरीके से। एक मिनट मीडिया आ जाए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे फिर उसी मोड की टीम के खुसूसी सदस्यों और खयाम साहब और अमीन साहब आप तशरीफ रखे। खयाम साहब जगजीत जी, कोको जी, अरुण बाली साहब प्लीज, एक्टर है जो राणा साहब, हैदर अली साहब, विल जस्ट इनॉग्रेट द 1 मिनट ट्रेलर प्लीज। निमी जी के शुभ हाथों से प्लीज प्लीज डेकोरम प्लीज। जीविता अतरार भाई आइए, एक मिनट हमारे भाई साहब हमें फोटोग्राफर भाइयों हमें रास्ता तो दीजिए इनॉग्रेशन करने का प्लीज। आप लोग इंतजार करिए, अली साहब, एवरीबॉडी, ऑल द प्रेस एंड मीडिया विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू टेक अ पिक्चर, लेट्स नॉट हरी। हमारे यहाँ सीनियर आर्टिस्ट हैं, वेटरन आर्टिस्ट हैं, पीछे हमारे गेस्ट भी बैठे हुए हैं। मीडिया प्लीज थोड़ा सा नीचे हो जाइए। ओके एवरीबॉडी विल गेट एवरीबॉडी वन सेकंड निम्मी जी विल पुल द रिबन एंड द ऑफिशियल ट्रेलर विल कम डाउन एंड देन यू कैन सी द 1 मिनट ट्रेलर ऑन द स्क्रीन राइट अवे। सुरेश प्लीज बी रेडी, आफ्टर दिस वी हैव दैट 1 मिनट ट्रेलर। यस कोको जी कम इन फ्रंट। हैदर अली साहब, ये जो लाल फीता है बस इंतजार कर रहा है खोले जाने का। और आदरणीय नमस्कार निमी जी के हाथों अली साहब, ओके सानी जी प्लीज कम फॉरवर्ड। एवरीबडी जो भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, अगर हमने उनका नाम ले लिया तो आप प्लीज कैन यू हैव द फुल लाइट ऑडिटोरियम, फुल लाइट एंड फुल विगर, पूरा जोश, आपकी हार्ट बीट्स उसी तरह तेज होनी चाहिए जैसे ये ड्रॉप डाउन होगा। कैन यू हैव द फुल लाइट्स? यस। गाने से पहले कनिका जी बाकायदा इंट्रोडक्शन करेंगी निम्मी जी का। ओके फाइन। निम्मी जी आपके लिए। हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान। हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान। गाइए मैं। हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान। हो पिया दुनिया बड़ी बेईमान। वही जोश रहा होगा जब इन्होंने पर्दे पर इस किरदार को जिया होगा, गाना गाया होगा। निमी जी प्लीज तुम हेल्प करो। और we'll be right back.
also take the opportunity to welcome the family of Lake Tandon Sahab. Pinky ji hai, hamari bitiya hai yahan, Vidhi. Aur zordar taliyan unke liye. Nitin is here. Tandon family ke liye. Zordar taliyan. You see Lake ji here. The family is here. I'm so grateful and honored. Celluloid par unka sapna aaj punah jeevit ho gaya. His last creation. Aur Bajpayee ji, आदरणीय त्रिनेत्र वाजपेयी जी, मेरा एक काम और आप आसान कर दीजिए सर, हम एंटायर टीम को, कास्ट को स्टेज पे बुलाना चाहते हैं. वी विल हैव ए म्यूजिक रिलीज लेटर, सो एक्सेप्ट माय म्यूजिक टीम, बिकॉज म्यूजिक के ऊपर हमारा कुछ हक है इस फिल्म में. तो कोको जी प्लीज हेल्प मी. यस, आइए सर. Please come on stage. The entire cast and crew of Piruthi Morpar. Haider Ali Saab. Yes. So welcome. Bali Saab. Arunishri Arun Bali Ji. Jividha. Welcome. Kanika Bajpayee Ji. The protagonist of the film, Jividha Aastha. Gopi Bhalla Saab. Aiyye, hamare, aapne kaam kiya, Mohammad Ali Saab, aiyye. Mohammad Ali Ji. प्लीज प्लीज, ये एक टीम वर्क है इतनी खूबसूरत फिल्म को पहुंचाने के लिए. ब्रजभूषण सानी साहब कहीं आके छिपे हुए हैं बाहर. यस, शंकर अय्यर. सानी साहब आ रहे आ रहे आ रहे. प्लीज द एंटायर टीम ऑफ दिस फिल्म. और मैं स्पेशली बुलाना चाहता हूँ रामेश्वरी जी को, जिन्होंने लेक जी को उनके सबसे बड़े हिट पिक्चर दी थी, दुल्हन भाई जो पियामंद है. प्लीज वेलकम रामेश्वरी जी ऑन द डायस, एंड दिस इज द टीम वर्क लेडीज एंड जेंटलमैन. टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, दे हैव अचीव्ड द बेस्ट. जोरदार तालियां इस टीम के लिए, फिर उसी मोड पर. लेक जी की कोई भी पिक्चर उनकी दुल्हन के बिना पूरी नहीं हो सकती. तालियां से स्वागत करिए रामेश्वर जी. ले तो आए हो हमें सपनों के गांव, प्यार की छा में बिछाए रख. कैन वी हैव द बुकेट फॉर हर प्लीज, महकते हुए फूल रामेश्वरी जी को पेश किए जाए. कैन द वॉलंटियर्स हेल्प. वाजपेयी जी आप प्लीज सेंटर पर आ जाइए, आप प्लीज सेंटर पर आ जाइए. देखिए मैंने एक्टिंग की नहीं, मुझे आधे मिनट का रोल दिया था, वो भी फ्री में किया था, मैं क्या कर सकता. नहीं लेकिन आज आप सेंटर स्टेज ले लीजिए, प्रोड्यूसर का हक बनता है, प्रोड्यूसर का हक बनता है, बनता है कि नहीं सेंटर स्टेज पर आने का. हाँ, जोर जोर से बोलिए ताकि वो स्टेज पर. प्लीज दुल्हन भाई से पिया मन भाई. हेलो, आइए चौकस भरद्वाज साहब हैं, आर्ट डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. यस, आर्ट डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. एंड आई कुड सी द एडिटर ऑफ द फिल्म आल्सो, अवध नारायण सिंह. अवध नारायण सिंह साहब. अवध नारायण जी, नजर तो आ गए थे मुझे. ये हैं, यहाँ हैं, मौजूद हैं. और फिल्म के को डायरेक्टर और राइटर सुरेश सिंह बिश्नोई, गेस्ट आर्टिस्ट कनिका वाजपेयी. मैं टोपी पहनी है, गिफ्ट है लेक जी ने. ये जो टोपी पहने हुए हैं ये लेक जी के एक्चुअली दी हुई टोपी है, इन्होंने लेक जी को टोपी नहीं पहना है. इट्स अ सरप्राइज पैकेज कि इस फिल्म का म्यूजिक भी उसी तरह से पुरजोर है, लेकिन जब म्यूजिक की बात हो तो उसको एक अच्छा सा पैकेज बनाकर पेश करना वैसे ही बड़ी बात है. उसके लिए कैट म्यूजिक कंपनी फॉर्म की गई ताकि मेलोडी हमेशा बरकरार रहे और लोग अच्छी मेलोडी को सुनते रहें, गुनगुनाते रहें. एक बहुत ही डिफरेंट सा नाम इन्होंने दिया और हम सब चाहेंगे, यही दुआ करेंगे कि कैट म्यूजिक हर जगह बजता रहे और सिर्फ इस फिल्म तक महदूद नहीं है, इसके बाद और भी मेलोडियस म्यूजिक
आप तक पहुंचेंगे, विच इज देयर फर्स्ट लव लेडीज एंड जेंटलमैन. मैं एक बार फिर त्रिनेत्र वाजपेयी जी को मंच पर आवाज देना चाहूंगी कि कैट म्यूजिक क्या है और क्या करना चाहती है. प्लीज कम एंड शेयर योर थॉट्स विद दिस ऑगस्ट ऑडियंस. देखिए, सिंस द कैट इज आउट ऑफ द बैग, ये नाम इंस्पायर होके आया कि भाई तीनों का नाम होना चाहिए. छोटा परिवार है, तीन लोग हैं, तो सजेस्ट किया मुझे सुरेश बिश्नोई ने, और मैंने कहा कैट म्यूजिक. हमारी बेगम साहिबा ने कहा क्या वाहियात काम है, हम बिल्लियाँ कब से पालने लग गए. हमने कहा बिल्ली नहीं पाल रहे, बड़ा बिल्ला पाल रहे हैं, आप देखिए आगे ये होता क्या. खैर, हमें बड़ा फख्र है कि लेक जी ने इस आइडिया को फुल्ली एंडोर्स किया. उन्होंने कहा क्यों आप किसी के पास जाते हो, खुद रिलीज करो म्यूजिक. इसमें एक इनपुट खयाम साहब और अमीन सयानी साहब का भी था. उन्होंने कहा कर गुजरिए, फिर देखिए क्या होगा. गेट इन टू इट एंड सी वॉट यू गेट आउट ऑफ इट एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. दैट हैज बीन द फिलोसफी ऑफ अवर ग्रुप ऑफ कंपनीज. तो मे आई रिक्वेस्ट द एंटायर म्यूजिकल टीम ऑफ फिर उसी मोड पर टू काइंडली कम हियर. आनंद साहब, त्रिबुद्धे साहब, जावेद अली साहब, कनिका वाजपेयी जी, आइए जी पटेल स्टेज पर. सिद्धार्थ पाटिल, हमारे प्यारे गुलूकार अहमद वसी साहब, अगर इर्शाद भाई आए हैं तो इर्शाद कामिल साहब, अभी तक उनका दीदार नहीं हुआ. हमारे म्यूजिक से जुड़ा हुआ भी देवेंद्र भारती साहब, शैलेंद्र भारती साहब, इज एनीबडी अराउंड. म्यूजिक हनीश साहब, हनीश साहब साहब, इन्होंने साहब कमाल की मास्टरिंग की है. मैं समझता था मास्टरिंग होती मास्टर का पढ़ाना, इन्होंने सिखा दिया कि म्यूजिक को मास्टर किया जा सकता है. ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब की आवाज को भी ट्यून कर देंगे. जगह दे दीजिए साहब उनको. हनीफ टाक साहब, तो प्लीज मे आई रिक्वेस्ट यू टू से थ्री चीयर्स फॉर द म्यूजिकल टीम. So ladies and gentlemen, that was cat music and it definitely has a catch, isn't it? और मैं विश्वास नेरुरकर साहब को दावा दूंगा कि खयाम साहब को इनवाइट करें इसके प्ले को अनवील करने के लिए. खयाम साहब, अमीन साहब, आप यहीं से आशीर्वाद दे दें, पर ये है उसी तरह. खयाम साहब हमारे बीच हैं, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, हर गीत याद आएगा, हर संगीत याद आएगा. देखो रास्ता दीजिए. बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच मौसिकार आजम खयाम साहब, एक बहुत ही सत पहलू शख्सियत, आदरणीय जगजीत जी, प्लीज अब आइए. हम इसे हम वो संगीत देना चाहते हैं कि तुम अपना रंजो गम अपनी पशेमानी मुझे दे दो. विश्वास जी भागिए मत, आइए. संगीत में जितनी गहरी पैठ इनकी है वो किसी संगीतकार की भी मुश्किल से होगी. वाकई 50-60 किताबें लिख चुके हैं, लिखते जा रहे हैं, और बैंक में काम करते हैं, लेकिन इनके बैंक में कोई घोटाला आज तक नहीं हुआ. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द अनफॉलिंग ऑफ द कैट म्यूजिक. कैट म्यूजिक जो आप सब तक पहुंचेगा, ऐसी आशीर्वाद के दो शब्द. सब कुछ बोल चुके, सब इस फिल्म के बारे में, लेखी के बारे में,
और वाजपेयी साहब ये बाज़ौक प्रोड्यूसर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छा म्यूजिक और म्यूजिक की बहुत समझ, शायरी की बहुत समझ, कहानी की समझ, लिटरेचर की समझ और बहुत बड़े दुनिया के मशहूर इंजीनियर जी अब बाहर के मुल्कों में इनका बहुत बड़ा नाम है वाजपेयी साहब का। और एक ख़ास बात बताना चाहूँगा, मक्का शरीफ में किसी गैर मुस्लिम को कभी एंट्री नहीं मिली, सिर्फ वाजपेयी साहब को मक्का शरीफ में एंट्री मिली। वो रॉयल कहे लेकिन ये अल्लाह का जब तक हुक्म ना हो जब तक एंट्री मिल नहीं सकती, तो इनके ऊपर अल्लाह का बहुत करम है, ईश्वर की बड़ी कृपा है और हर तरह से इनकी तबीयत भी बहुत अब संभल रही है और इंशाल्लाह बहुत से अच्छे काम करेंगे। और अब बोलने के लिए अब अमीन भाई वो आवाज़ रेडियो और हर तरह से आवाज़ अमीन भाई की और हम शुक्रगुजार हैं तो उनको उनके दो शब्द सुनने को मिले। और मेरी दुआ है कि ये फिल्म बहुत कामयाब हो। ताली हमारी है, ठोको ताली। वाजपेयी जी एक चीज मैं बताना चाहूंगी जी, जो मैं बताऊंगी आप नहीं बताएंगे। एक वाजपेयी तो कह सकता है और कौन कहे। जो एक बात है जो अभी तक उभर कर नहीं आई है कि फिर इसी मोड पे के म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है त्रिनेत्र वाजपेयी जी। नस की तू चीज है ऐसी सदाबहार, जिससे आता है दिल को सुकून और रूह को करार। मैं बहुत स्वागत करता हूँ कविवर अनजान साहब के साथ दादे मकबूल और मशहूर और मारूफ गीतकार समीर अनजान साहब का, तालियों के गड़गड़ाते स्वागत हो। और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पैर कांप रहे हैं कि मैं एक म्यूजिक देने की जो छोटी सी कोशिश की है वो खयान साहब को पेश हो रहा है, बाद में चपत पड़ेगी या प्यार मिलेगा। बहुत बड़ी हस्ती हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, इतने कामयाब गीतकार, नगमा निगार, शायर वो आप हैं। और बहुत जब भी मुलाकात होती है हम और चाहते हैं कि हम कुछ इकट्ठा काम करें, लेकिन अभी तक वो वक्त नहीं आया। हम चाहेंगे कॉम्प्लीमेंट्स आदरणीय समीर अनजान साहब आप भी दे दें प्लीज माइक आपकी तरफ। मैंने सुना है, अभी तक देखा नहीं है, कि मेरे भाई इरशाद कामिल साहब तशरीफ रखते हैं। हुजूर यहाँ आइए। मालूम ग्राउंड ऑफ अप्लॉज टू वन सेकंड इरशाद भाई, आप बड़े डाउन टू अर्थ आदमी हैं, बहुत शर्मीले हैं। अपनी तस्वीर के साथ आए, इनकी बेगम का नाम तस्वीर है, बहुत जोरदार तालियों के। प्लीज वेलकम इरशाद कामिल जी। आज की तारीख में सभी इनके गीत गुनगुना रहे हैं और इस फिल्म का भी गीत इन्होंने लिखा है आदरणीय श्री अहमद वसी जी के साथ, और नक्श लालपुरी साहब ने भी इस फिल्म का गीत लिखा है। वी विल अनवील द सीडी इन सम टाइम, प्लीज वेट। समीर साहब कुछ कहेंगे। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई आने में, और इस खुशगवार मौके पर मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मेरी बहुत सारी दुआएं, मेरी बहुत सारी बधाइयाँ जो हैं त्रिनेत्र वाजपेयी साहब के साथ हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि ये फिल्म बहुत कामयाब हो। और मुझे बिल्कुल यकीन है इस बात का कि इतने सारे
टैलेंटेड लोग जहां इकट्ठा हुए हैं तो कामयाबी की ये गारंटी है और 100% बहुत अच्छी फिल्म बनी होगी, म्यूजिक बहुत अच्छा होगा, मैं केवल दुआ कर सकता हूं। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत धन्यवाद। और इसके पहले कि हम म्यूजिक के बारे में कुछ कहें, हम यहां से माया जी को रिक्वेस्ट करेंगे, माया गोविंद जी, कि आप यहां से आके इशारा करें तो अगला सेगमेंट शुरू हो। माया गोविंद जी के लिए तालियां। माया गोविंद जी जिन्होंने स्वयं कई कई गीत लिखे हैं, मंचों को नवाजा है अपनी कविता के जरिए, बहुत जोरदार स्वागत माया गोविंद जी का। और वाजपेयी जी आपकी इजाजत हो तो मैं सारी टीम को स्टेज पर, मंच पर बुला लूं। मंच पर आ जाइए, हमारे जो मीडिया है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से, हमारी बड़ी बहन है और हमारे सीरियल में लिखा इन्होंने, हम बहुत अनुग्रहित हैं। आप इशारा कर देंगी नेक्स्ट सेगमेंट के लिए, लेकिन अभी इधर रिक्वेस्ट आई है कि मंच पे चलना है, तो प्लीज आइए, आइए सर, आइए विश्वास जी, डायरेक्टर से काइंडली ज्वाइन अस। इतने अच्छे गुलुकार, साहित्यकार, लेखक, विदुषी यहाँ पर विराजमान है, तो हम उन्हें मंच पर लेकर आएंगे सच सम्मान जरूर, ताकि हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है हम उसकी ओर प्रस्थान करें। आइए, देर इज अ परमानेंट एलिमेंट इन माई लाइफ, देर इज अ टाइटल रिफ्यूजेस टू हैव, आई वांट लांगे टू रिप्रेजेंट माई इंजीनियरिंग कम्युनिटी हियर, कम टू द स्टेज। उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंजीनियर आइदर साइड ऑफ सुएज कैनाल, मैं बाकी लोगों को सहमत नहीं दे रहा हूं, बट जस्ट कम टू रिप्रेजेंट किल्डियाल मार्केटिंग। कनिका जी आप ही स्टेज पर आइए, ये हमारे सबसे खास लोग हैं, हमारे डायरेक्टर्स, और ये लानगे हैं यहाँ, the entire team of the company हमारे साथ रहे हैं बहुत साल से, खरे साहब, कल्देल साहब, लानगे साहब जो हैं वो एक, भाई जरा जगह दे दीजिए, मीडिया का बाइट ले लीजिए, सॉरी अमित साहब आपको, मुझे ना, मैं एक बात कहूँगा कि लानगे साहब एक हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, ये लोग एक राग गाते हैं जो आज तक बना नहीं, उस राग का नाम है राग गगन बेदी, जब वो बन जाता है तो शेर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, इंसानों की क्या बात। मैं नौशाद साहब के दोनों साहबजादों से दरख्वास्त करता हूँ, तशरीफ लाइए। आनंद शर्मा जी आए हैं तो प्लीज हमें नवाजे हैं, तशरीफ लाइए। शर्मा जी प्लीज मंच पर आ जाइए, जो कई कई सालों से क्लोज अप अंताक्षरी सारे गामा के साथ जुड़े हुए हैं, संगीत के रेंज उन्होंने अपने हाथों में संभाला है, तराशा है। तौफीकार आजम नौशाद साहब के साथ जादू के लिए तालियां, रहमान नौशाद साहब और राजू नौशाद साहब, यहाँ पर मेरे दोस्त और हमारे पसंदीदा गीतकार शकील बदायूनी साहब के साथ जादे हैं, जावेद बदायूनी साहब, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली कम। ये ऐसे कलाकार रहे हैं हमारे सिनेमा जगत में जिसे रहती दुनिया तक उनका संगीत अमर रहेगा, और हम उनके संगीत को याद कर करके कभी खुश होंगे, कभी आंखों से आंसू भी बहेंगे। देखिए, कभी आपने एक मंच पे नौशाद साहब, खयाम साहब, शकील साहब सबको नहीं देखा होगा, आज देख लीजिए। अमीन साहब मैं रहमत नहीं दूंगा, लेकिन अमीन साहब ने इनकी मौसीकी को जैसा समझा कोई नहीं समझ पाया। हमारी म्यूजिकल टीम से और कोई हो तो प्लीज तशरीफ लाइए। आवाज की दुनिया के दोस्त बहुत पीछे बैठे हुए, छिपे हुए, बड़े शर्मीले हैं, मेरे दोस्त भी हैं, रकीब भी हैं, ब्रिजभूषण सहनी साहब, आ जाइए, आइए सर। देखिए वाजपेयी जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है और उनकी नजर हर एक पर है, सबके साथ स्टेज से ही एक राब्ता कायम कर रहे हैं, इसलिए कनिका जी प्लीज आ जाइए, छुप कर बैठा हो, खड़ा हो, संभल के रहिएगा, आवाज वहां तक उनकी नजर पहुंच जाएगी। विश्वास जी, निम्मी आपा को मैं बार बार रहमत नहीं दूंगा जी। सर ये मौका भी है
دستور بھی ہے سارے ہمارے مہمان خصوصی منچ پر ہیں کیوں نہ ہم موقع کا فائدہ اٹھا لیں ہم سی ڈی کا ریلیز کر دیں یا پھر پہلے آپ جو اجازت دیں یس مایا جی دو شبد کہیں گی اور پھر ہم اس فلم کے میوزیکل سی ڈی اور پین ڈرائیو آج کل کیسٹ بنتے نہیں ریکارڈ تو زمانہ ہو گیا حالانکہ میرے پاس 5,000 ہیں تو وہ دونوں ریلیز کریں گے بڑا بھاری بھرکم کام ہے مشقت لگے گی لیکن قیام صاحب یہاں ہیں تو اس کے پہلے مایا جی دو شبد کہیں گی مجھے آج ایک شعر یاد آ رہا ہے ارشاد بہت اچھی شاعرہ کا ہے کہ اکثر خوشبو ہوں اکثر خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی کیا بات ہے اکثر خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی میں آج سے نہیں اس پریوار کو بہت پہلے سے جانتی ہوں اور میری قسمت کہ خیام صاحب کے ساتھ ہی خیام صاحب کے ساتھ ہی میں نے بکھری آس نکھری پریت سیریل میں گانے لکھے اور تب سے ہمارا ساتھ ہے کنیکا بہت ہی اچھی ابھینیتری بھی ہے بہت اچھی ابھینیتری ہے اور میں جانتی ہوں کہ یہ گاتی بھی بہت اچھا ہے ابھینے بھی بہت اچھا کرتی ہے نرت بھی آتا ہے اس کو تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہونا بہت مشکل ہے اور واجپئی یعنی ترنیتر اب سوچئے آپ کہ جب یہاں شیو موجود ہیں تو شیو جی کے ہونے سے ترنیتر نام ہے جس کا اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا وہ اس کا ڈمرو بجے گا تو سب ایک ساتھ ہو جائیں گے تو تیسرا نیتر کیوں کھلے گا تیسرا نیتر نہ کھول کے وہ لاس سے کریں گے تانڈو کریں گے لیکن تانڈو بھی وہ تانڈو نہیں یہ جو میوزک دیں گے اس میں معلوم ہے مجھے کہ ان کو اتنا شاعری کا اتنی سمجھ ہے اور اتنا سنگیت کی سمجھ ہے خیام صاحب کے ساتھ رہتے رہتے تو کوئی بھی میوزک جان جائے گا میں تو جانتی ہوں نس نس میں میوزک بھرا ہے خیام صاحب کا تو جواب ہی نہیں ہے تو یعنی ترنیتر بھلا ان چیزوں سے ونچت رہ جائیں اور ترنیتر نام ہے تو ظاہر ہے کلا سے پریچے ہے نٹراج کہلائے وہ تو سوچئے تو ترنیتر کے لیے میں کہوں گی کہ یہ فلم اتنا نام کرے اتنی چلے میری دعائیں ہیں میری بہت آشیرواد ہے ساتھ میں میرا آشیرواد ہے کہ یہ فلم خوب چلے اور اتنی چلے کہ بعد میں تم دوڑے دوڑے آؤ کہو کہ مایا جی اب آپ کو دیدی لکھنا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے لیکن میں جانتی ہوں تمہارا یہ کارواں رکے گا نہیں تم آگے بڑھتے جاؤ گے اور یہ فلم بہت نام کرے گی اس کا میوزک بہت ہٹ ہوگا کیا بات ہے بہت 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 خوب کہا آپ نے بہت دھنیواد مایا جی آپ کے لیے آپ نے خوشبو کی بات کہی میں یہی کہوں گی کنیکا جی کے لیے کہ خوشبو بن کر دل میں اتر جاؤں گی خوشبو بن کر دل میں اتر جاؤں گی سکون بھر کر ہر جگہ پھیل جاؤں گی میری آواز کو محسوس تو کیجئے پسند آئے تو دعا دیجئے اسی بات سے دعا دیجئے اور زوردار تالیوں کے بیچ ہم خیام صاحب سے اور پوری ٹیم سے خیام صاحب کریں گے ارشاد بھائی احمد وفیق اس سیری کو لانچ کیجئے یہ لانچ ہے فارملی فلم کے سیریز کا کمپیکٹ ڈسک بولتے ہیں سی ڈی کیٹ میوزک پریزنس پھر اسی موڑ پر
की इकरार हेलो सुनिए आवाज है तकदीर के ये गिफ्ट हम सबको देंगे हमारे जितने भी स्टेज पर हैं मेहमान जो इस म्यूजिक से रिलेटेड हैं और मैं दो शख्सियत को स्टेज पर रुकने की दावत दूंगी एक तो कनिका जी और जावेद अली साहब प्लीज स्टे बैक ऑन द स्टेज कनिका जी प्लीज स्टेज पर आ जाइए इंसानियत थैंक यू सो मच सर अब हम इसका ऑडियो विजुअल भी दिखाना चाहेंगे थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच सर प्लीज स्टे बैक नहीं नहीं ये मौका थैंक यू सो मच ऑल द गेस्ट आर रिक्वेस्टेड कि आप अपने अपना स्थान ग्रहण करें द नेक्स्ट इज गोइंग टू कम सून जावेद अली साहब प्लीज स्टे बैक हम थोड़ा सा सिर्फ फोन नंबर थोड़ी देर बाद अगर लेते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा थैंक यू सो मच जावेद अली साहब प्लीज कम हियर आ जाइए दोस्तों अगर इतनी अच्छी आवाज अगर स्टेज पे हो तो बनता है कि नहीं गुनगुनाना आप ये माइक से सुनना चाहेंगे ना इतनी अच्छी गाने जो उन्होंने गाए हैं और जावेद अली साहब ने चलिए ठीक है उन्हीं से गवा देती हूँ आप पीछे से गुनगुना दिया हम और आप कोरस बन जाएंगे आपने तो सभी को दीवाना बना दिया है अभी आज ये महफिल है आपकी किस तरह दीवाना बनाते हैं इस फिल्म का एक गाना वहां तक पहुंचना चाहिए हेलो जितने भी हजरात यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत आदाब नमस्कार सत श्री अकाल आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं तालियां बजा दीजिए और साइड पे सारे गेस्ट प्लीज प्लीज टेक योर सीट्स कैन वी हैव साइलेंस प्लीज यस सर सबसे पहली बात तो इस फिल्म के साथ इस फिल्म का एक छोटा सा मैं भी हिस्सा हूँ और इस फिल्म में मैं जुड़ा हूँ मैं शुक्रगुजार हूँ वाजपेयी साहब का कि उन्होंने मुझसे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि चार गाने इस फिल्म में गवाए हैं तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि खुदा करे ये फिल्म बहुत कामयाब हो और इस फिल्म से जुड़े जुड़े जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबका की बरकत इस फिल्म को मिले बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा मुझे एक भी गाना याद नहीं है हाँ बिकॉज मैं सुना नहीं देखिए जल्दी से याद कर लीजिए सीडी वहां तक पहुंचे नहीं तो फिर हमको आपकी कोई और फिल्म का करवाना पड़ेगा सो वो तो आई स्वेयर हो जाएगी नहीं अच्छा कौन सा हेलो बेरादा ये नजर तुमसे जो टकराती है जाने क्या बात है शर्मा के झुकी जाती है तुम भी नजरों के उजालों को बिखेरा न करो रात से पहले जमाने में अंधेरा न करो क्या बात है बहुत खूब बहुत खूब ये बहुत ही सुरमई सोज भरी आवाज सौम्य भरी आवाज की मलिका कनिका जी वो जो फर्स्ट गाना बज रहा था ना जी उसके अल्फाज मुझे याद नहीं है लेकिन अभी जो बजा वो मैंने सुन के चलिए ऐसे कुछ हम कर देता हूँ tara ra ra ta ra ra ta ra ra ra
बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब तो प्लीज टेक योर सीट्स एंड आई वुड लाइक टू प्ले एन एवी आइए आइए लीजिए आइए कैन वी हैव द ऑडियो विजुअल We have an audio visual कि ये फिल्म का संगीत कैसे बना क्यों बना किस लिए बना और अब वाकई मेरे पैरों के थरथराने का वक्त आ गया है कि मैं खय्याम की कसौटी पर जाने वाला हूँ अल्लाह खैर करे तब आपका आशीर्वाद चाहिए आमीन